साइज बढ़ा दोगे ना? हाँ उनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, इससे कि एक्चुअली देखो 1.5 1.2 रहेगा, दत्ता प्रोजेक्ट जिस हिसाब से है G+4 है ना शायद वो, तो उसमें कोशिश करो कि 1.2 1.5 तक का स्टील लग जाए तो अच्छा रहेगा। 1.2, हाँ तो इतना लग रहा है। हाँ तो इतना सही है, इतना अगर लग रहा है तो सही है। उसको ना एक जो जो भी स्टडी कर रहे हो ना उसको ना एक प्लान वे में कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी जो छोटा हुआ है तो सबके लिए राइट। ये ऐसा है, जैसे कि मतलब मैं खुद भी क्या करता हूँ अपने काम को हमेशा प्लान कर लेता हूँ कि ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद, तो बेटर वे ये रहेगा कि उसको एक प्लानिंग वे में चले जाओ कि ये कर लिया, फिर ये कर लिया, ये कर लिया, तो कुछ भी जो छोटा होगा ना वो भी कवर अप आ जाएगा। प्लस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई सुदीप भी यहाँ पर अभी तुम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया है ना, अगर उसको एक सीरीज में लिख के नहीं रखोगे ना भूल जाएगा कि क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। ये तो ऐसे होता है ना जैसे कि 1 रुपए को संभालना आसान है, 2 रुपए को संभालना आसान है, 1 लाख रुपए को संभालने के लिए सोचना पड़ेगा कैसे करूँ, 1 करोड़ को और संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि तुम लोग 1 रुपए भी नहीं पे नहीं हो, मतलब 10 रुपए 20 रुपए भी नहीं हो, अभी लाख रुपए करोड़ रुपए पे हो, तो जब इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे पास अब हो जाए तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी वही तुम लोग के क्लासेस पहले लिख रहा था कि अभी हम लोग मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं और क्या क्या पहुँचना और है, तो जब लिखते हैं ना तो माइंड को थोड़ा सा मैसेज पहुँच जाता है कि यार अभी हम लोग इस चीज़ को पे लैग कर रहे हैं ना। और इतना सारा काम है तो वो जल्दी जल्दी सारे काम को भी करने की कोशिश करता है, वरना एग्जैक्टली तो एक ही काम में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बोलते हैं, आज मैं उनका बड़ा अच्छा एक लेक्चर आया हुआ था, संदीप मैसूरी का वीडियो देखते हो कि नहीं? हाँ सर। तो संदीप मैसूरी के क्या, आज एक मोटिवेशन स्पीकर है उज्ज्वल पाटनी, तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। ऑलरेडी तुम लोगों को पता है मैं कल करता हूँ, तो उनका था कि डेली का एक एम होना चाहिए हमारा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग कैसे होते हैं कि हम लोग काम तो डेली डेफिनेटली करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अगर डेली का एक एम हो जाए, उज्ज्वल पाटनी बहुत अच्छे वो भी मशहूर स्पीकर हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर डेली का हमारे पास एम रहेगा, ठीक है, एक तो होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है डेली का गोल। तो डेली अगर मॉर्निंग में गोल सेट हो जाए तो इवनिंग तक में अगर वो हम कवर कर लेना तो वो क्या होता है ना कि डेली हम थोड़े थोड़े बेटर होते चले जाएंगे, आज एक गोल कंप्लीट, कल दूसरा गोल कंप्लीट, परसों तीसरा गोल कंप्लीट। तो मुझे उनकी बड़ी वो बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी डेली मॉर्निंग में क्या करता हूँ अपने सारा काम लिख लेता हूँ, तुमको क्या पढ़ाना है एवरीथिंग, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें एक डेली एम भी ऐड कर दें कि आज ये अचीव कर लेंगे तो और अच्छा होगा। तो मतलब कि व्हेन एवर यू लर्न फ्रॉम एनीवन तो उसको फॉलो करना चाहिए, कैसे कि वीडियो तो लाखों लोगों ने देखा होगा ना, अप्लाई हाँ कुछ लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो हमें अप्लाई वाले में क्यों, सुदीप सुदीप हवा नहीं जा रही, पवन तो पहुंच गए अपने घर पे कि नहीं, अभी तो रास्ते में ही हो? पहुंच गया ओके पहुंच गए, जी क्या बात सर। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है। है। ओके एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो दूसरा कुछ विंडो प्रॉब्लम हो जाती है सर, क्या वो प्रॉब्लम उसमें मैं बहुत परेशान। अब वो क्या? सर रेविट में कर रहा था हाँ तो उसके बाद फिर सब कुछ सब सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ऑटोकैड ओपन नहीं हो रहा कल से। तो वो अरे DL140 करके आता है ना हाँ रन टाइम, तो वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया तो फिर हाँ भी नहीं हो रहा है सर वो। तो फिर मैं आज DLL फिर से उसको DLL क्या DLL? रन टाइम 40D करके LLB हाँ करके हाँ वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया 2 बार डाउनलोड करके, तो अभी नहीं चल रहा है वो सर। तो फिर मैंने उसको डिलीट ही कर दिया ऑटोपेड को, मैं 2016 फिर से करूंगा सर। तो उसे वो डाट अब डिलीट कर दी तो कोई बात नहीं, अदरवाइज क्या करना था, कंट्रोल पैनल में जाके उस ऑटो कैड के ऊपर राइट क्लिक करना था, वहां पर एक होता है रिपेयर, ठीक है। तो जैसे अनइंस्टॉल करोगे ना, तो अनइंस्टॉल जैसे करने जाओगे तो अनइंस्टॉल डायरेक्ट नहीं होगा, वहां पूछेगा रिपेयर रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल, तो तुमको रिपेयर करना था, और रिपेयर के समय पर इंटरनेट ऑन कर देना था, तो जो भी फाइलें मिस होती वो फाइलें वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता, और मैक्स पॉसिबिलिटी 90% चांस रहता है कि चल जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर देखे से होता है ना कि जैसे अभी हम अपन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तुमको पता है कि कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि बैठ के सिर्फ और सिर्फ वायरस क्रिएट करते हैं, पता है कि नहीं चीज़ को, हाँ यस यस सर। ठीक है। तो कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि वायरस क्रिएट करते हैं, उनकी एक टीम वायरस क्रिएट करती है, दूसरी टीम एंटीवायरस बनाती है, ठीक है। तो मतलब उनकी दुकान ही उसी से चलती है कि एक तरफ एक तरफ वायरस बन रहा है और उस वायरस को ठीक करने के लिए दूसरे तरफ एंटीवायरस, तो अब क्या होगा कि पब्लिक को प्रॉब्लम होगी वायरस के साथ, तो क्या करेगा तुरंत एंटीवायरस खरीदेगा, तो उनकी जो परचेजिंग होती है वहीं से बढ़ती है, ठीक है। हर कंपनी के ऐसे बहुत से बक्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो हमारे डाटा को करप्ट कर देते हैं, वो जो फाइलें होती हैं, इसकी वजह से बड़ी डीएलएल मिस हो गया तुम्हारा, तो कुछ ना कुछ ऐसा कोडिंग क्या होगा कि वो डल मिक्स हो जाएंगे। अब जो तुम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या सॉफ्टवेयर तुमको लगता है एकदम परफेक्ट होता है? नहीं,
ठीक है, ये तो सीखने के लिए पर्सपेक्टिव होता है ना। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर बिल्कुल को कैसे क्रैक करते हैं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को किसी को नहीं दे सकते हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बग्स निकाल दिया जाता है। बग्स मतलब होता है एरर कर दिया जाता है। जैसे कुछ एरर कर दोगे तो सॉफ्टवेयर की जो जो प्रोसेस है एग्जैक्टली जो लाइसेंस का, वो मिस हो जाएगा प्रोसेस। जैसे मिस हो गया तुरंत ही वहाँ पर क्रैक डेवलप कर लेते हैं। तो क्रैक जो होता है इसको भी प्रोग्राम किया जाता है, कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उसको क्रैक को मतलब कि सॉफ्टवेयर में बग करता है, बग करने के बाद तुरंत एंटीवायरस। तो बग मतलब ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर तुम्हारा है वो करप्ट है, वो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम पहले से रहती है। ठीक है, जी सर, इसलिए जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो डाटा का एक्यूरेसी रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हो। और अभी इसीलिए कुछ अभी सबको पता चल गया, ऑटोडेस्क कंपनी ने भी एक रूल बना दिया कि आप 365 डेज तक उनके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। मतलब कि अभी तुमको नीड नहीं है कि तुम क्रैक ही डेवलप करो, ठीक है। जैसे अभी टेक्ला का भी है, ट्रिम्बल कंपनी ने कर दिया, तो अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम डायरेक्ट ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर एज ए स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर्ड करो, 1 साल के लिए फ्री सॉफ्टवेयर उनका यूज करो, 1 साल हो जाए फिर वर्जन चेंज कर दो, फिर से हो जाएगा। जी सर, ठीक है, तो वो भी बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं अभी रेबिट का वही करने जा रहा था। चलो अभी मेरा प्लान ये है कि अभी आप डेफिनेटली करते रहो, ईटैप्स की प्रैक्टिस करते रहो, और करो जितना करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। बट जो से जो रैबिट है, रैबिट भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। और आप सबको पता है कि जिसके पास आपने कई ओपनिंग्स देखा होगा, अभी रिसेंट में मैंने 2-3 ओपनिंग आपको भेजा था, एक वीडियो और बना रखा हूँ आपको अपलोड करने वाला हूँ जो कि स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग के बारे में है। तो कई जगहों पर रैबिट और स्टैट प्रो दोनों मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ सैलरी पैकेज भी ज़्यादा रहता है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसकी भी अगर ट्रेनिंग ले लोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। प्लस जैसे कि अभी आपके पास प्रोजेक्ट आते रहते हैं, अभी जैसे एक दिन निधि के पास प्रोजेक्ट आया था, तो वो सामने वाले को क्या चाहिए था कि 3D भी बना के दो, तो इन्होंने किसी से बनवाया तो बन तो गया, बट बेटर ये होता है कि हम ही उसके लिए ऑप्शन होते हैं ना। तो जी सर, इसलिए तो हेलो अच्छा, हाँ जी बोलो। सर, 20,000 की जॉब आई थी सर मेरे पास, और हाँ वो मेरे थोड़े पहचान के भी हैं बरेली में, हाँ तो उनका यही अभी यही इशू आया, तो वो उनको मतलब 3D भी चाहिए स्ट्रक्चर, मतलब ऑल ओवरऑल सब चाहिए था, तो पूरा मतलब बात हो गई थी, तो वो यही कह रहे थे कि फिर देखते हैं अगर वो उनको नीड उनको होगी, बोल दो केवल 10 दिन चाहिए, 10 डेज, बोला तो है सर, लेकिन अब देखते ठीक हैं है। सर। 10 दिन में तुमको मैं परफेक्ट बना दूंगा, इसमें फिक्स है, ठीक है। 10 दिन जी केवल सर, चाहिए मुझे, बस अब क्या करना है, थोड़ा 10 दिन इसमें भी आपको जैसे स्टैट और ईटैप में दिमाग लगाया है, मेहनत किया, वैसा ही करना पड़ेगा, और तो आपका हो जाएगा 10 दिन में। प्लस एक मेरा सजेशन रहेगा सबके लिए कि अभी क्या करो कि आप जितने भी पढ़ लिए हो, जो भी चीज़ें पढ़ लिए हो ईटैप्स में, जो भी चीज़ें आप स्टैट में पढ़ लिए हो, संडे को जो भी जिस दिन जिसका छुट्टी रहता है, सबका अलग अलग दिन अपना है, तो उसमें क्या करो उनको लिस्ट बना लो कि हमने ये चीज़ों की स्टडी कर ली हुई है, लाइव क्लास में, रिकॉर्डिंग क्लास में, रिकॉर्डिंग में ये पढ़ लिया है, लाइव में ये पढ़ लिया है। आपको बेटर ये रहेगा कि कल को जब आप बैठोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि मेरे को ये चीज़ों का नॉलेज ऑलरेडी है, समझ गए। तो ऐसे मेरे साथ भी ऐसे कभी कभी होता है कि मतलब कोई की चीज़ को ना मतलब याद नहीं रहता कि क्या क्या कर रखा है, तो मैं उसको लिस्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी यही सजेशन दूंगा कि अगर लिस्ट कर लोगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। चलो अभी हम लोग रैबिट के लिए, रैबिट एक्चुअली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रैबिट के साथ बीम भी पढ़ाऊंगा। रैबिट तो ऑलरेडी आप क्लास से पढ़ लोगे, कुछ नहीं करना है आपको। रैबिट सॉफ्टवेयर लगभग सबने इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया है तो चाहे स्टूडेंट वर्जन चाहे कुछ भी कर लो, बस अपने को चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के साथ 2 लेक्चर्स वॉच करना, एक रेबिट का आर्किटेक्चर 1 और एक रेबिट आर्किटेक्चर का क्लास 1 क्लास 2। कुछ नहीं, सिंपल वॉल बनाना पढ़ाया हुआ है, इतना इजी लैंग्वेज में है, कैसे याद हो जाएगा तुमको। क्या करना है उसको बना के, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल बनाना, मतलब एक मतलब पूरा एक प्लान का वॉल बनाना, उसमें विंडो लगा देना, डोर लगा देना, और उसके बाद फ्लोर लगा देना, बस इतना ही आपका असाइनमेंट्स, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 5 मिनट लगेगा ड्रॉ करने में वॉल को, उसमें डोर विंडो सेट कर देना और फ्लोर लगा देना, बस। कल आप सिर्फ इतना कर लेना और रैबिट आर्किटेक्चर के 2 लेक्चर, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वॉच कर लेना। अब ये रैबिट जो होता है ये बीम का सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, तो अभी हम पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बीम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, व्हाट इज बीम। डीप में समझ लोगे तो इंटरव्यू में कोई पूछ लिया तो आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे कि यार ये चीजें बीम के अंदर आती हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज बीम, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे डेफिनेटली विल सॉल्व दैट, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे।
यहाँ पर एक रैबिट का डायग्राम दिया लिया गया है। एक्चुअली रैबिट एक केवल एक सोर्स है, रैबिट केवल एक सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, बट रैबिट सबसे मेन है, इसकी वजह से इसकी फोटो यहाँ पर लगा दी गई है। अगर स्क्रीन नहीं दिखेगा तो बता देना, वैसे होप्स वो दिख रही होगी। तो ऑटोडेस्क रैबिट, रैबिट हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम स्किल डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बीम की बातें करने वाले हैं आज। तो जब बीम की बात आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यार बीम होता क्या है। जैसे हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो पहले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रक्चर्स, वैसे ही व्हाट इज बीम। द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू द प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल इकोनॉमी एंड एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, क्या हो गया है आज के टाइम में, पहले क्या करते थे या फिर अभी भी हम लोग क्या करते हैं, 2D में सब कुछ बना देते हैं, बट अभी सबको क्या चाहिए, अभी सबको चाहिए प्रैक्टिकल रियलिटी, मतलब कैसा बन के दिखेगा वो भी दिखा दो भाई, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं इतना मेहनत का। ठीक है, आप सबको पता है मटेरियल के कॉस्ट कितने ज़्यादा हैं, तो जब इतना मेहनत को पैसा है तो चाहते हैं वो कि आपको रियलिटी में भी दिखता रहे कि एग्जैक्टली कैसा बनने वाला है, विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कैसा वो वर्क करेगा, इकोनॉमी कितना कॉस्ट आएगा, एनर्जी कितना कितना एनर्जी वगैरह आप जनरेट करोगे ड्यू टू सोलर पैनल एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जिसके माध्यम से, तो सब कुछ पहले से पता कर लेना, ये बीम का कॉन्सेप्ट होता है। ऑल डिसिप्लिन, एल लिखा है बट ऑल है, ये गलती से लिख गया है, ALL कर लेना। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट कैन शेयर इन सिंगल डाटाबेस, मतलब एक ही प्रोजेक्ट को हर प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर लेना, यही हमारा बीम है। ठीक है, जैसे कि आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शंस आर टाइड टुगेदर एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम अनप्रेडिक्टिवली पॉसिबल, मतलब सबको एक एक ही फाइल से सबको भेज देना और उसी पर सभी लोग काम कर लेना, यही बीम का सबसे मेन मोटो है। मतलब इसी के अंदर रैबिट जो होता है ना, रैबिट के अंदर आर्किटेक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर्स भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है। तो यहाँ और यहाँ तो सिविल वाले काम कर लेते हैं, ये मैकेनिकल वाले कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रिकल वाले कर लेते हैं, तो हम ये दोनों सीखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शंस आर टू अडैप्ट टुगेदर विद चैलेंज। एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर बिकम मोर प्रेडिक्टेबल। कभी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई इतना मटेरियल लगने वाला है, तो ये लगने वाला है, ये लगने वाला है, तो क्या इसका चार्ज क्या आएगा, बैलेंस कितना बनेगा, अप्रॉक्स कितना प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगने वाला है, पढ़ा भी दूंगा कैसे निकालते हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एस्टिमेशन बता रखा है, तो बीम रैबिट के अंदर एस्टिमेशन भी पढ़ लोगे। बीम के बेनिफिट क्या क्या है भाई, डेफिनेटली बीम मॉडल कहते हैं ना, बीम का पूरा, बीम कंसल्टेंसीज होती हैं, तो बीम का पूरा काम क्यों करके दें, उससे बेनिफिट क्या होगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा ना। तो बीम के पूरे काम में अगर देखोगे तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप क्लाइंट को समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो, एक्यूरेसी एंड रिलेटिबिलिटीज, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डाटा आपको पता चल जाएगा कि आपका मॉडल कैसा बनेगा, कॉस्ट क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंग जो कि आप कर पाओगे। टाइम सेविंग टेक्निक, बीम के अंदर प्लान बना दिया जाता है कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि आप अपना शेड्यूल बना लो, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, तो उसे क्या होगा कि आपके पास टाइम सेविंग का टेक्निक आ जाएगा, रिवाइज करने के लिए 10-5 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे जो जो आपको लगेगा इसमें मुझे डाउट है। वैसे इसमें भी कब क्या करना है उसका एक लिस्ट बना लिया जाता है, जिसके लिए नेविस वर्क्स को प्रीफर करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, और जब किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध करते हो तो उसमें पैसा बचता है। कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करो, अगर उसको एक प्लान के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका अच्छे से प्लान होगा, वेस्टेज ऑफ मनी नहीं जाएगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स जिससे हम सेव कर सकते हैं। इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, BM के अंदर क्या रहता है कि आर्किटेक्चर वाली फाइल को डायरेक्ट स्ट्रक्चर से अटैच कर सकते हो, स्ट्रक्चर वाले को MEP वाले से, तो एक दूसरे से बड़े अच्छे से कन्वर्सेशन आसानी से हो जाता है। 3D प्रिंटिंग एंड मॉकअप्स, यहाँ पर प्रॉपर देख पाते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपका मॉडल दिखने वाला है। ठीक है, उसको आराम से उसका प्रिंट करके भी विजुलाइज कर सकते हो कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से होगा। सिमुलेशंस मतलब होता है एनिमेट कर देना कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो सब भी बीम के अंदर कर सकते हैं। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट, इसमें प्रॉपर एक स्टोर बना सकते हैं कि जनवरी मंथ में इतना मटेरियल लगने वाला है, फरवरी में इतना लगने वाला है, मार्च में इतना, तो उसके हिसाब से ही मटेरियल को परचेस किया जाए ना। अगर साल भर का मटेरियल एक साथ खरीद लोगे तो आपको गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, गोडाउन का कुछ रेंट होगा, प्लस कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी भी हो जाएगी, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लॉस, तो आप एसेट मैनेजमेंट में अगर प्रॉपर प्लान कर लोगे तो जिस महीने में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आप परचेस करोगे।
बीएमएस एंड स्कैडा इंटीग्रेशंस, ये थोड़े से क्या बोलते हैं, एमईपी के पार्ट होते हैं, जिसमें से आप फिक्स कर सकते हो कि बिल्डिंग में कहाँ लिफ्ट लगने वाली है, कहाँ पर क्या लगने वाला है, किस तरीके से वो वर्क करेगा और किस तरीके से सेंसर्स काम करेंगे, ये सब भी इंटीग्रेट कर सकते हो बीम के अंदर। और लास्ट में बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्या एक्यूरेट चल रहा है, किसका मेंटेनेंस, लिफ्ट का भी एक टाइम पर मेंटेनेंस मांगता है, कैमरे को भी आपको देखना पड़ता है कि हार्ड डिस्क फुल हो गई है क्या, क्योंकि डेफिनेटली स्टोर हो रहे हैं रिकॉर्डिंग्स, तो कितना स्टोर हो रहा है, कहाँ सेव करना पड़ेगा, दैट ऑल थिंग्स वी कैन डू हियर। अब आप बोलोगे सर हमें कहाँ पर, मतलब अगर हमने खुद का बीम का ऑफिस खोला, या फिर सपोज हम ऑल सोल्यूशन दे रहे हैं बिल्डिंग का, खुद की कंपनी या फिर किसी कंपनी में काम कर लो, तो किस किस प्रोजेक्ट में बीम की रिक्वायरमेंट होती है? तो कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें बीम का जरूरत पड़ेगा, कोई भी सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग है उसमें भी बीम का जरूरत पड़ेगा, क्लास व्यू मॉडलिंग देखना है इसमें भी पड़ेगा, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में भी पड़ेगा जरूरत बीम का, ऑफिस स्पेस इंटीरियर में भी बीम का जरूरत पड़ेगा, कॉमर्शियल इंटीरियर्स, रेसिडेंशियल इंटीरियर, एक्सटीरियर, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर, ये सारे प्रोजेक्ट्स में बीम की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब आपको कोई भी तरह का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो आपको बीम अगर आपको आता है तो आपको बेनिफिट ही होगा। अच्छा जी, कैसे? अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग कोई आपको दिया, आपने प्लान बना दिया, कॉलम का साइज भी डिफाइन कर दिया, बट उसको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप कितना अच्छा बना के दोगे, आपका मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगा और ऐसे एक मॉडल बना दिया, नाउ ही और सी विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ यार कुछ ऐसा बनने वाला है, चलो इस बंदे को प्रोजेक्ट दे देते हैं। जब तक आप 3D नहीं देते हो तब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते, क्योंकि उनको प्लानिंग तो ज़्यादा समझ में आती नहीं है, जो आपने बता दिया थोड़ा बहुत उसके हिसाब से समझ गए, प्रॉपर समझ में कब आता है, जब उनको दिखा देते हो चीज़ों को। तो इसको जैसे दिखाया, 3D विजुलाइजेशन हो गया ना, वो फील कर रहा है कि हाँ यार हो जाएगा अच्छे से, बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल लिया, तो आप बता सकते हो, जैसे किसी ने बोला कि भाई कितने में बजट करके दे दोगे, तो आपने बोला 18 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, तो आपने पता चला अंधा मार दिया, कल को प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया 30 लाख, आपने 25 में ही मांगा था टेंडर को, लॉस में चले जाओगे, आपने मांग लिया 35 लाख, सामने वाला कोई और बंदा था उसने 25 में कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो उसके लिए आप टेंडर्स के लिए प्रॉपर बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल के उसके हिसाब से कोटेशन दे सकते हो सामने वाले को, प्लस डॉक्यूमेंट बना सकते हो कि ऐसा प्रिंट करके एग्जैक्टली ऐसा 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 दिखने वाला है। तो रेसिडेंशियल में भी बीम का काम होता है, रेसिडेंशियल में और भी कई सारी चीज़ें, बीम थोड़ा और डीप लेवल पे, बीम के लेवल्स होते हैं, कितना लेवल का बीम करना चाह रहे हो, ये तो सबसे सिंपल लेवल हो गया बीम का, अभी आगे देखेंगे कैसे कैसे लेवल होता है। और थोड़ा डीप में कोई जानना चाहता है तो उसको बता सकते हो एनर्जी के बारे में, कितना सनलाइट आपके घर के अंदर एंट्री करेगी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एंट्री करवा सकते हैं, 3D विजुलाइजेशन, एनर्जी एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, कितना कितना कॉलम में रेनफोर्समेंट लगेगा, बीम में रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, सब कुछ 3D में करके दिखा सकते हो। बीम का मैक्सिमम काम 3D के अंदर डिपेंड करता है, तो जो कि अभी स्ट्रक्चर्स में कर लोगे, BOQ निकाल सकते हो, प्री फैब्रिकेशन पहले से ही बना के आप दिखा दिए, कई चीज़ें ऐसी होंगी जैसे कि पैनल्स वगैरह जो है आप बाहर से डायरेक्ट बनवा के लाओगे, फटाफट पेस्ट करवा दोगे। अब ये सब तभी पॉसिबल है जब एक मॉडल आपके पास पहले से बना हुआ है, बस प्लेस करने की नीड है, ठीक है। अभी कई ढेर सारे आपने सुना होगा प्रीकास्ट, कैसे ढेर सारे वॉल आते हैं, आप डायरेक्ट बाहर एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए लगा सकते हो। किसी दिन टाइम लगा तो मैं आपको थोड़ा मटेरियल के बारे में भी पढ़ा दूंगा इसी में, जिससे कि जब आप डिज़ाइन करो तो अच्छे अच्छे मटेरियल भी यूज कर सको, जिससे सामने वाला ज़्यादा इम्प्रेस हो आपके काम से। सर्विस प्लानिंग्स भी काम कर सकते हो, सर्विस प्लानिंग मतलब जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बन गई है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, MEP का सारा काम किया जाता है। तो MEP का सारा काम मतलब डक्ट किधर से जा रहा है, फायर फाइटिंग की पाइप कहाँ से जा रही है, इसके पॉइंट्स क्या क्या है, तो इनका सारा काम आप इनको दिखा सकते हो 3D में, प्लस आप सर्विस मांग सकते हो कि हम पूरा आपके जो MEP का वर्क है इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस का सारा काम आपका हम करके देंगे। तो उसके लिए भी आपको क्लैश पॉइंट चेकिंग पता करना पड़ेगा, क्लैश पॉइंट मतलब क्या होता है, ये पाइप आ रही है कहीं इस डक्ट से लड़ेगी तो नहीं, अगर लड़ गई तो क्लैश पॉइंट्स हो जाएंगे, आगे आप देखोगे उसको सोल्यूशन क्या है, कैसे करें कि क्लैश पॉइंट ना बने। प्री फैब्रिकेशन पहले से ही बना के सब कुछ दिखा सकते हो, ये देखो क्लैश, ये पाइप जा रही थी और यहाँ पर कॉलम बीम आ गया। अब पहले से जिसने बीम का वर्क करा लिया होता उसको आइडिया रहता कि यार यहाँ से पाइप जाने वाली है, तो या तो क्या करता पाइप नीचे से लेके जाता, या फिर बीम का कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन देखता। तो ये वो कर पाएगा जिसको नॉलेज है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने वाली है। अभी देखो 1 1600 mm, अब इतना तो इंसान की हाइट हो जाएगी, अगर कोई इसके नीचे से जाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये देखो यहाँ पर, तो ये सब कुछ भीम के अंदर हम चेक कर पाते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम ना हो। बीम में ही एक सॉफ्टवेयर आता है टेक्ला, जिसके अंदर प्रॉपर स्टील की मॉडलिंग कर सकते हो आप कि एग्जैक्टली क्या क्या लग रहा है और कैसे कैसे लग रहा है। तो आपका कनेक्शन कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पर कॉलम स्प्लाइस लगे हैं तो कितने बोल्ट लगेंगे, कितनी थिकनेस की प्लेट लगेगी, सारी डिटेलिंग्स जीए ड्राइंग जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स निकाल सकते हो, डिटेल ड्राइंग्स बना सकते हो, शॉप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चरल बीम मॉडल पूरा क्रिएट कर सकते हो। ये भी पूरा बीम के अंदर ही आता है। ऑफिस का इंटीरियर, अभी किसी ने बोला कि मुझे एक बढ़िया सा ऑफिस का लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाना है, तो आप कितना ही उसको बोलते रहो कि मैं एकदम बेस्ट बना दूंगा, आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा, अगर कोई एक पर्सन है जो ऐसे ऑफिस बना के दिखा देगा कि हम ऐसा बनाएंगे, उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले क्लाइंट को दो लाइन खींचने से आइडिया नहीं लग पाता है, उसको लगता है दो लाइन ही तो खींचा है, बट ऐसा 3D बनाने से वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये कॉन्फिडेंट हो गया कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलने लगेंगे या फिर कंपनी में भी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप 3D विजुअलाइजेशन मतलब थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी पर आप आ जाते हो। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, रेबिट का होता है, क्योंकि रेबिट में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MVP तीनों हो जाते हैं, और उसके बाद नेविस वर्क यूज करते हैं इसमें ज़्यादातर, टिकला यूज करते हैं, तीन सॉफ्टवेयर से जनरली यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि 60% रेबिट यूज करते हैं। इसमें भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब जैसे कि कोई भी इंसान है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी यहाँ पर सुदीप है, तो मुझे सुदीप के बारे में जानना है, तो एक लेवल होता है ना कि कितना मैं जान सकता हूँ। अगर सुदीप के बारे में मैं केवल क्लास के अकॉर्डिंग जस्ट करूंगा तो LOD 100 मान लो उसको, कि जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सुदीप ऐसे है, इनका एजुकेशन वगैरह ऐसा है, थोड़ा और इनके पर्सनल और डीप में जाएंगे थोड़ा और इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा और डीप में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, थोड़ा और डीप में जाएंगे और थोड़ा और डीप में, और लास्ट में हम इनकी पूरी बायोग्राफी लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे पर्सन हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डीप में जाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को बीम के अंदर बोलते हैं LOD। हर एक इंटरव्यू में व्हाट इज बीम एंड LOD फिक्स है क्वेश्चन। तो LOD होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे बात करते हैं पहले LOD 100 की, आइए देखते हैं, किसी ने पूछ लिया व्हाट इज LOD 100, तो आपको बताना है प्री डिजाइन, जो कि एक आर्किटेक्ट के अंदर में आता है कि एग्जैक्टली क्या क्या बनने वाला है और कैसे कैसे बनने वाला है, तो वो सब काम किसके अंदर में आता है, LOD 100 के अंदर। उसका एक सिस्टमेटिक डिजाइन हो, एक मैनर हो कि प्लानिंग ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे ये सारा काम करेंगे, तो वो सब कुछ किसके अंदर में आता है, LOD 200। तो कोई बोला व्हाट इज LOD 200, तो सिस्टमेटिक डिजाइन। LOD 300 मतलब होता है डेवलपमेंट डिजाइन, एग्जैक्टली ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा और ऐसा दिखेगा। LOD 350 मतलब कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जिसके अंदर आप पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का पूरा काम कर सकते हो कि ऐसा एलिवेशन ऐसा सेक्शन है ऐसे इसकी डायमेंशन एवरीथिंग डिटेल में। LOD 400 में कंस्ट्रक्शन स्टेज कैसा कैसा कब कब बन के तैयार हो जाएगा वो आप दिखा सकते हो कंस्ट्रक्शन स्टेज LOD 400 के अंदर। तो कोई पूछा LOD 400 में क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज के बारे में वर्क करते हैं। और फाइनल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पूरी बायोग्राफी एज बिल्ट। तो एज बिल्ट कैसे होता है, एज बिल्ट के लिए आप प्रॉपर एकदम विजुलाइज करवा देते हो, स्टैचूज वगैरह लगवा के, अभी जैसे अभी इंटीरियर का ऑफिस दिखा रहे थे ना, तो वो ऑफिस से क्या हो रहा है कि एज बिल्ट दिख रहा था, तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि AC से इतना कूलिंग की नीड होगी, ऐसे आप बैठोगे, इतने लोग इस हॉल में मीटिंग कर सकते हो, इतने देर तक लाइट जलेगी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, दैट ऑल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा। तो टोटल LOD 500 तक, अभी इंडिया में तो जनरली 300 और 350 तक ही काम हो रहा है, बट कुछ लोग 500 तक भी काम कर रहे हैं जो बड़ी कंपनियां हैं। तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है, एक आर्किटेक्ट काम करता है, दूसरा इंजीनियर काम करता है, तीसरा जो कंस्ट्रक्शन कराता है, चौथा जिसका बिल्डिंग है वो तो डेफिनेटली उसके बिना तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो कौन ये सब काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं AEC, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो तीनों का काम होता है, बीम जो होता है ये AEC टेक्नोलॉजी है। अब और डीप में समझते हैं LOD 100 को। कॉन्सेप्ट डिजाइन किसी ने बोल दिया कि LOD 100 में क्या होता है, आपने बोल दिया कॉन्सेप्ट डिजाइन। किसी ने बोला होता क्या है कॉन्सेप्ट डिजाइन में, तो आप बता सकते हो कि 3D मॉडल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन बेसिक लेवल, एक बेसिक लेवल जस्ट इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ओनली कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्रिएशंस इज पॉसिबल इन दिस स्टेज, केवल कॉन्सेप्ट बता देते हैं,
जिसके अंदर एरिया, हाइट, वॉल्यूम, लोकेशन, ओरिएंटेशन, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब एलओडी 200 की बात आती है तो उसमें जनरल मॉडल वेयर एलिमेंट्स आर मॉडल्ड विद अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज, थोड़ा सा क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेटली साइज के बारे में भी करेंगे, शेप कैसा तैयार करेंगे उसका, लोकेशन ओरिएंटेशन तो रहेगा रहेगा। फिर और भी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि वी कैन ऑल्सो अटैच नॉन ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द मॉडल एलिमेंट। ठीक है, जो नॉन ज्योमेट्रिक मतलब कि जो एक्स्ट्रा डाटा होते हैं वो डाटा भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, कि इसके अगल बगल कैसा लोकेशन है, क्या है, एंड एवरीथिंग। डिटेल डिजाइन, एलओडी 300 मतलब डिटेल डिजाइन। तो डिटेल डिजाइन में क्या करते हैं भाई, ये सब तो करेंगे करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एक्यूरेट मॉडलिंग एंड सॉफ्ट ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं। वेयर एलिमेंट्स आर, सॉफ्ट ड्राइंग मतलब सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, एलिमेंट्स आर डिफाइंड विद स्पेसिफिक असेंबली, कौन सी चीज कैसे बनेगी ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं इसके अंदर। प्रिसाइज क्वांटिटीज, कहाँ कहाँ से क्वांटिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, साइज, शेप, लोकेशन, ओरिएंटेशन तो रहेगा रहेगा। फिर वी कैन अटैच नॉन ज्योमेट्रिकल मॉडल एलिमेंट ऑल्सो, तो कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हो तो भी एलओडी 300 के अंदर दिखा देते हैं। कई कंपनियां एलओडी 350 तक काम करती हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसके अंदर इट इंक्लूड मॉडल डिटेल एंड एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट हाउ बिल्डिंग एलिमेंट्स इंटरफेसेस विद वेरियस सिस्टम, कैसे एग्जैक्टली एक दूसरे से अटैच होंगे, एग्जैक्टली कैसे कैसे उसका डॉक्यूमेंट बनेंगे। अदर एलिमेंट्स विद ग्राफिक्स एंड रिटन डिफिनेशंस, तो उसका एक रिटन बना लेते हैं कि इतना इतना इसमें ये मटेरियल लगेगा, तब जाके ये इस तरीके से पूरी बनेगी। नेक्स्ट होता है एलओडी 400, जिसमें फैब्रिकेशन और असेंबली भी क्रिएट करते हैं, मतलब मॉडल एज स्पेसिफिक असेंबली, मतलब कौन सा एलिमेंट कैसे बनने वाला है, विथ कंप्लीट फैब्रिकेशन असेंबली एंड डिटेल इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू प्रिसाइज क्वांटिटीज, साइज, शेप, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, नॉन ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। लास्ट है एस बिल्ड, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन असेंबलीज फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस इन एडिशन टू एक्चुअल एंड एक्यूरेट इन साइज, शेप, लोकेशन, क्वांटिटी एंड ओरिएंटेशन सब कुछ अटैच कर दें, तो ये लास्ट हो गया एलओडी 500। बहुत ही रेयर कंपनियां हैं जो एलओडी 500 तक काम करती हैं। अब जैसे ही एलओडी आपका खत्म होता है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो, जैसे एलओडी 00 मतलब जस्ट ये ऐसे सोच मतलब प्लॉट है आपके पास, एलओडी 100 मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन सोच लिया, एलओडी 200 मतलब उसका कुछ शेप सोच लिया, एलओडी 300 मतलब थोड़ा डिटेल में चले गए, एलओडी 400 मतलब और डिटेल में जाके कैसे कैसे उसके अंदर ऑपरेशन होंगे वो सब सोच लिया। तो मतलब लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो फिक्स है, पूछा जाएगा ये बताइए 2D, 3D, 4D, 5D, 6D क्या होता है, 7D क्या होता है, अभी 8D भी पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2D तो आप सब बना चुके हो ऑटोकैड में, हम लोग एक्चुअली जो आज पढ़ने जा रहे हैं या फिर अभी जो 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे वो 3D पढ़ेंगे। 3D के बाद बीम में 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है, 7D होता है। 3D हम पूरा पढ़ेंगे, 4D में और 5D में यूज करते हैं नेविसवर, और 6D में सॉफ्टवेयर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है, और ये पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है सब चेक करते हैं। 3D मतलब किसी भी चीज़ की मॉडलिंग, 4D मतलब टाइम के साथ शेड्यूलिंग, मतलब जनवरी में क्या कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फरवरी में क्या होगी, ये सब इसमें देखते हैं, कब कितना बन जाएगा और कब पोजिशन दे देंगे इसको, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बना देना, वो हमारा 5D के अंदर आता है। और उसके बाद 6D में सस्टेन कर पाएगा कि स्ट्रक्चर की नहीं, एनर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सनलाइट सफिशियंट रहेगा क्या, जो पेड़ लगाए हैं दैट इज़ इनफ फॉर और नॉट फॉर ऑक्सीजन, एवरीथिंग चेक करेंगे। और 7D में सारा कुछ क्या सही से वर्क करेगा क्या, ये सब कुछ इसके अंदर चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में डीप में। BIM 3D, 3D मतलब होता है मॉडल बनाना, BIM 3D इज द इंटीग्रेटेड मॉडल हैविंग स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स सिस्टम, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इंजीनियर्स, डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स हु एनालाइज एंड सॉल्व द स्ट्रक्चरल इश्यूज। सबसे ज्यादा इंडिया में 3D पे ही काम होता है, ठीक है, तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं। 4D में होता है टाइम, द कंस्ट्रक्शन शेड्यूल टू ऑप्टिमाइज द प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कब कितना काम हो जाएगा उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट होता है BIM 5D, सॉरी
5D मतलब तो कॉस्टिंग, कब कितना कॉस्ट लगेगा वो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। सस्टेन मतलब लेआउट टू टेल रहे अकॉर्डिंग टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस, कहाँ कहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है, कैसे किसको बैलेंस कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर देखते हैं। 7D में टेक्निकल डिटेल्स की काम कैसे कैसे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कब कब ऑपरेशंस की नीड होगी, कब कब सर्विस करना पड़ेगा, एवरीथिंग इसके अंदर देखते हैं। तो ये देखिए आपका ट्रेडिशनल 2D मॉडल, और उसके बाद ये बनता है आपका 3D मॉडल। तो आपका कल का काम ही यही है कि एक जनरल 2D बनाना है। लेक्चर 1 और 2 जैसे ही वॉच करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे 2D बनता है, बहुत सिंपल है बनाना है। उसके बाद जैसे उसमें क्या बनाना, वॉल बना देना, डोर विंडो लगा देना, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बस फ्लोर लगा देना लास्ट में। ये आपकी 2D ड्राइंग्स। अब इसको किसी को देना है तो अगर ऐसे आप बना दोगे थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन बेस्ट हो जाएगा। तो ये देखो इसको इम्पोर्ट करके भी कर सकते हो, बट इम्पोर्ट आगे पढ़ना, पहले अभी केवल और केवल ऐसे सीख लो कि बनाते कैसे हैं। तो जस्ट ऐसे करना, वॉल इसके अंदर वॉल कट कर देना, और उसके बाद वो डोर विंडो ऐसे लगा देना, बस अभी आपको इतना ही करना है। तो देखो ये प्लान को 3D में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। फिलहाल और डिटेल में भी जाएंगे, बट अभी सिंपल सीखेंगे पहले। तो ये है जस्ट एक बीम का इंट्रोडक्शन कि बीम होता क्या है। तो अब आपको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे बीम के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि अब आपको 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D भी पता चल गया, और उसके साथ ही साथ LODs भी पता चल गए। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज बीम। तो अभी सब तो आपको पता चल गया किस तरह के प्रोजेक्ट, क्लास व्यू के प्रोजेक्ट ले सकते हो, स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर का डिटेलिंग भी कर सकते हो, इंटीरियर का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ रेसिडेंशियल बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद इंटीरियर का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये सारे प्रोजेक्ट बीम के अंदर आ गए। बीम के बेनिफिट्स क्या है आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो कि ये बेनिफिट्स है बीम के। बीम होता क्या है, द फोकस टू शिफ्टिंग द फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू द प्रैक्टिकल रियलिटी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, इकोनॉमी एंड एनर्जी एक्सेट्रा। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट कैन शेयर इन सिंगल डाटा बेस। तो ये आपका क्या हो गया, बीम हो गया। तो अब आपके लिए बीम एक थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो गया, और होप सो थोड़ा बहुत क्लियर भी हो गया होगा। बट एक दिन में बीम क्लियर नहीं होता है, इसलिए अभी सिर्फ गो थ्रू हुए हैं और आगे भी चलेंगे। इसके अंदर बहुत सी कॉन्सेप्ट होते हैं, कोशिश यही करूंगा कि जितने कॉन्सेप्ट इंटरव्यू नीड होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही हम पढ़ लें, कम ना पढ़ें। अब चलो देखते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में किसी को कुछ दिक्कत आई क्या, फिर उसको डिस्कस करेंगे। कल आप बना के लाइएगा मॉडल, फिर आप खुद बताएंगे सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी ने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है, कुछ दिक्कत आई है? किसी को दिक्कत नहीं है, फिर किसी ने प्रोजेक्ट ही नहीं किया, दिक्कत का सवाल ही नहीं है। सुधीप प्रोजेक्ट किया? पवन तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया क्या? नहीं किया? हेलो हाँ प्रोजेक्ट नहीं किया, सर वो किया था सर, फिर वो प्रॉब्लम आ गई सर, बताया ना आपको अच्छा मेरे को। लेकिन इसीलिए इसमें नहीं, इसमें प्रॉब्लम बहुत, इसलिए वो प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है सर, जो आपने जो बोला था हॉल रहना चाहिए बिना हाँ कॉलम के, तो करेक्ट। प्रैक्टिकली बनता तो है, लेकिन ई टेप से में कैसे होगा सर वो पार्ट, वैसे ही तो उसमें बीच में बीम देनी पड़ेगी ना तो सर, बीम तो दोगे ना, तो वो फेल हो जाएगी ना सर, फिर देंगे तो। बीम देना है मतलब कॉलम दोनों तरफ लगाना है और बीम भी लगाना है, बीच में कॉलम नहीं देना ये बोल रहा हूं, हाँ बीच में नहीं गया। बीच में नहीं देना है। तुमने प्रयास ही नहीं किया उसको, नहीं तो बन जाता। रॉय तुमने ट्राई किया? सर कॉलम कैसे देना है पता नहीं चल रहा है सर। कॉलम कैसे देना है? तो सिंपल क्या बोलते हैं, कॉलम देने में क्या है, मतलब उसमें कितने कितने साइज के कॉलम दो या कहाँ कॉलम दो, ये नहीं पता चल रहा है। हाँ सर कहाँ कहाँ देना है सर? ओके चलो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ देना है। तो बताना तो उसको फाइल को तुम्हें बताना चाहिए ना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल तो ये तो तुमको आइडिया लग जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ कॉलम देना है, क्योंकि अब तो तुम एक एक्सपीरियंस में कैलकुलेट हो गया ना कि हमने ये कर लिया। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ कॉलम देना चाहिए। देखो
सिंपल है, कल आप भी रैबिट का एक छोटा मॉडल तो बनाएंगे ही, लेकिन उसमें 15-20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा नहीं। उसके बाद जो टाइम जाएगा वो टाइम इस पर स्पेंड करिएगा। तो अभी सिंपल है कि एक कॉलम तो आप सिंपल यहाँ पर दे सकते हो, अभी इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊँ जिससे आपको दिखे कॉलम, ऐसा कलर ले लो जो दिखे। एक कॉलम यहाँ दे दिया, एक एक कॉलम आप यहाँ दे सकते हो, एक कॉलम यहाँ दे सकते हो, तीन कॉलम इधर दे दो। उसके बाद एक कॉलम जस्ट यहाँ पे दे दो जो कि इस चीज़ को कवर कर लेगा, और इसी के जस्ट सीध में एक कॉलम यहाँ पे दे दो, ठीक है, अंदर लेना। और एक कॉलम दे दो यहाँ पर जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ड्रेसिंग रूम आपका, यहाँ जाएगा, एक कॉलम इधर दे दो, और एक कॉलम दे दो अपने लास्ट में जो ये जो वॉल आएगी इसके ऊपर, और एक कॉलम दे दो यहाँ पर खत्म। तो एक यहाँ पर टोटल कितने कॉलम हो गए, लगभग चार कॉलम इधर हो गए, तीन कॉलम इधर हो गए, तो डेफिनेटली एक कॉलम आप यहाँ पर भी दे दो, इसके सेंटर में एक, इसके सेंटर में एक, इसके सेंटर में इधर कॉलम हो गए। अब ओरिएंटेशन आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ देना चाहिए। अब इधर हो गया, ये क्या है आपका वेटिंग एरिया है, और ये इंट्रेंस है, तो एक डेफिनेटली ये जब इंट्रेंस है तो यहाँ पर गेट वगैरह लगेगा, एक यहाँ दे दो और एक यहाँ दे दो। उसके बाद क्या है, ये है ऑडियो विजुअल रूम, विजुअल रूम तो इसमें डेफिनेटली बड़ा स्पेन हो रहा है, तो एक कॉलम यहाँ दे दो, एक कॉलम यहाँ दे दो, और उसके बाद एक कॉलम यहाँ दे दो क्योंकि स्टेयर केस स्टार्ट हो रहा है, एक कॉलम यहाँ दे दो जहाँ पे स्टेयर केस खत्म हो रही है, एक कॉलम यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो। अब यहाँ दिया तो डेफिनेटली एक कॉलम यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, एक कॉलम यहाँ चला जाएगा, सिंपल है, इसमें क्या है अभी तो। अब इसके बाद अभी ऐसा नहीं कि ये डन हो गया, इसके बाद आप कॉलम को जब पास फिल करोगे तो उसमें कॉलम के साइजेस चेंज होंगे, कॉलम की जगह भी चेंज हो सकती है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल। एक कॉलम हमेशा कोशिश करो कि सीध में रहे तो बेटर रहता है डिज़ाइन के लिए। अब जैसे यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर दे दो, उससे क्या होगा एक बीम इधर से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी इसके ऊपर, और एक कॉलम दे दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, ट्राई नहीं किया नहीं तो भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, और एक कॉलम यहाँ पर दे दो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये कॉलम यहाँ की नीड है तो ये दोनों कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लग रहा है, कितना डिस्टेंस है इसका, नहीं, एक देना पड़ेगा 15-15 फीट पे एक कॉलम दो, तो एक कॉलम यहाँ पे भी डाल दो क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, बस हो गया। तो इस तरीके से कॉलम दो, कॉलम देने के बाद फेल करो ना स्ट्रक्चर को, तो हम पास करना बता देंगे कि यहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से पास नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं होता है तो मैं तुम लोग के साथ ही हूँ, ठीक है। तो आज आप कर लीजिए, ठीक है, रैबिट पे मॉडल तो बनाना फिक्स है, क्योंकि देखिए अगर स्टार्टिंग से ही रैबिट को छोड़ा तो पूरा आगे रैबिट खत्म हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग से पकड़ के रखे कि एग्जैक्टली अब ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा रैबिट आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप क्या बोलते हैं, आज पहले रैबिट का काम करिए, दो लेक्चर हैं, लेक्चर वन में लगभग लगभग यही पढ़ा है जो आज आपको क्लास में पढ़ा दिया अभी, और लेक्चर टू में थोड़ी सी नई नई चीज़ें बताया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, और लेक्चर दोनों आपके पास ही है। उसके बाद जब उसका काम हो जाए तो जितना टाइम बचे उसमें फाइल को इंपोर्ट करिए, एक दिन में नहीं हो रहा 2 दिन में करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राई करो, ठीक है, फिर इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं बता दिया आपको तो बी में भी आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब समझ में कम आएगा। एक बार PPT को जरूर रिवाइज कर लेना, या फिर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना, ठीक है। तो अभी इतना ही रख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो, टेक योर टाइम। देखो बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो बोर हो जाओगे, रिलैक्स होके करो, अच्छे से करो और इन्जॉय करो उस काम को, ठीक है। और मैक्सिमम 10 दिन दोगे, 10 दिन में मैं आपको दिखाऊंगा आपके अंदर एक अच्छा सा 3D मॉडल बनेगा, और 15 दिन के अंदर उसकी कॉलम की डिटेलिंग, बीम की डिटेलिंग्स प्रॉपर मैनर में करना सीख जाओगे। सिर्फ 15 दिन का गेम है, ट्राई टू फोकस, ठीक है। तो जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, और उसके बाद जो भी टाइम बचे उसको स्पेंड करो, और इटैप्स को स्टेट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, भूल जाएगा, तो उसको कवर करते हुए इसको पढ़ लो, ठीक है। चलो तब इतना ही रखेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है मेरे को। सर कल का रिकॉर्डिंग, हाँ अभी मैं उसको उस पर डाल रहा हूँ यूट्यूब। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऐप में ना एक अपडेट आया हुआ है, तो अपडेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑडियो तुरंत आ जा रहा है, वीडियो में 15 सेकेंड का लैग हो रहा है। तो कैसे होता है ना, अभी जैसे मैंने कुछ कंटेंट बोल दिया वो आया बाद में, तो मज़ा नहीं आ रहा है,
तो दे आर सेइंग कि लगभग 2 दिन लगेगा, तो मैं कल का भी अभी यूट्यूब पर डाल दूंगा लिंक, तुमको शेयर कर दूंगा, और आज का तो आने वाला है, ठीक है? आज का पहले डालूंगा क्योंकि आज का अभी तुरंत देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीम का है स्टार्टिंग, कल का मॉर्निंग तक मैं डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक, ओके।